बहुत सारे इंसान सुकून की खातिर गुनाहों का रुख करते हैं कि गुनाह करेंगे थोड़ा सा माइंडसेट चेंज हो जाएगा, थोड़ा पुरसुकून हो जाएंगे। ये शैतानी जाल है, एक सब्ज बाग होता है। गुनाहों से आपको लज्जत मिल सकती है, सुकून नहीं मिल सकता। और लज्जत बहुत थोड़े से मजे का नाम है, और जब लज्जत खत्म होती है तो इंसान पहले से ज्यादा बेसुकूनी के हवाले हो जाता है। इंसान का अपना जमीन उसे मलामत करने पर उतर आता है कि जालिम, जो तुझे खिला रहा है, जो तुझे पिला रहा है, जो तेरा रब है, जिसका तूने कलमा पढ़ा हुआ है, जिसके पास तू जाने वाला है, तुझे जरा भी उसका ख्याल ना आया कि जो ख्याल तुम्हारी सोच को बदल सकता था, तुम्हें गुनाहों से महफूज रख सकता था, तुझे जरा भी ध्यान ना आया अपने रब का? तू तो अल्लाह को मानने वाला है, अल्लाह के बंदे, तू कैसे अल्लाह को भूल सकता है? तू उन लोगों में शामिल है जिसने ये क्लेम किया है कि इस दुनिया में खुदा है, और क्लेम करके उन लोगों के मुंह पे तमाचा मारा है जो कहते हैं कि इस दुनिया में कोई खुदा नहीं है। तेरे साथ ऐसी हरकतें सूट कर सकती है? दावा तूने इतना बड़ा किया हुआ है, और गुनाहों में इन्वॉल्व होकर बेहयाई के रास्तों को इख्तियार करके मैं और आप अपनी वैल्यूज को घटा रहे, अपने आप को गिरा रहे, अल्लाह के बंदे, हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की बंदगी सूट करती है। हमने अपने आप को उन लोगों में शामिल करना है जिन लोगों के बारे में अल्लाह ने शैतान को मुंह तोड़ जवाब दिया था कि जो मेरे बंदे होंगे ना, जिनके दिलों में मेरी मोहब्बत होगी, जो मेरे लिए जीना चाहेंगे, मैं उनको कभी भी तेरे हवाले नहीं करूंगा, मैं हमेशा उनको तुझसे महफूज रखूंगा, तेरा जोर ही नहीं चल सकेगा उन पर। हमने ऐसे लोगों में शामिल होना है, ना कि उन लोगों में जिन लोगों के बारे में शैतान को अल्लाह ने कहा कि मैं तुझसे और तेरे उन बंदों से जो तेरी मानेंगे, जो तेरी इबादत करेंगे, अपनी जहन्नम को भर दूंगा।